आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान खान शीतला पीजीएम छबड़ा में आपका इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज एक बार फिर से हाजिर हम आपकी खिदमत में, और इस बार हम शौक करा रहे हैं हमारे कुछ पट्टों का, जो कि पर साफ कर चुके हैं। इनकी वीडियो अभी तक आई नहीं थी, अपलोड नहीं की थी किसी वजह से। ये छोटे से पूरे बड़े हो चुके हैं, और ये देखिए इसकी आँख, ये मादिन है, और ये इसके पूरे 10 पर देखिए इस तरफ से। इधर का एक पर टूट गया है इसका। ये इसकी दुम देखिए, गहरे कबूतरों में से निकली हुई मादिन है ये। और ये इसके पंजे देखिए, इसके यहाँ पे लग गई थी इसलिए इसका पंजा ऐसा हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल साफ आँख की मादिन है, और माशाल्लाह वजूद भी बहुत बड़ा है। ये दूसरा नंबर का जो कबूतर है, ये भी मादिन है दोस्तों। ये कलमुह कबूतरों में से निकली हुई है, और इसकी छाप कंप्लीट हो जाएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे इसकी उम्र होती रहेगी। एक उम्र पे आने के बाद ये पूरी छप जाएगी। ये इसके बाजू के पर हैं, ये इसके 3 पर हैं। ये देखिए इस तरह से इनकी बनावट है। इनको अभी उड़ा के चेक नहीं किया है, पहले वाली को भी नहीं उड़ाया था, इसको भी नहीं उड़ाया। ये सब सर्दी की उड़ानों के लिए हैं, सर्दी में इनको उड़ा के देखा जाएगा। हमारे यहाँ सर्दी की उड़ानें होती हैं, सर्दी में, सर्दी के मौसम में ही चेक किया जाता है कबूतरों को, गर्मी और बारिश में आराम दिया जाता है। ये इसके पंजे नाखून का शौक कीजिए आप। ये इसकी शाइनिंग देखिए। ये तीसरा नंबर का कबूतर का शौक कीजिए आप। ये भी मादिन है, छोटे साइज की मादिन है, कलमुहे में से निकली हुई है। इसकी आँख का शौक कीजिए करीब से, बिल्कुल ज़रा से साइज की मादिन है, बिल्कुल छोटी। ये इसके पर देखिए, परों की बनावट। ये भी हमारे घर के कबूतरों में से निकली है, ये सब बारिश में निकले हुए थे, ये अगस्त सितंबर में निकले थे, तो उस टाइम इनको पर काट के रख दिया था, उल्टे पर काट के। अब ये धीरे धीरे परिन हुए हैं। इसकी दो में, हालांकि उड़ा के इनको भी नहीं देखा, और जो पहले दिखाए थे उनको भी नहीं उड़ाया। ये देखिए दोस्तों, ये कलमुहों में से निकला हुआ है, नर है ये, छोटे साइज का। इसको भी उड़ा के अभी चेक नहीं किया है। ये इसके परों का शेप देखिए, ये इसके 3 पर इस तरफ के, छोटे वजूद का कबूतर है ये। ये इसके इस तरफ के पर हैं, और ये हमारे शौक के पट्टे हैं। इनको उड़ा के देखा जाएगा सर्दी के मौसम में। जिन भाइयों को इन कबूतरों में कुछ समझ में आए तो वो कमेंट करके बताएं। ये इसका वजूद है पूरा। ये आज के कबूतरों में से जो हम पट्टे दिखा रहे हैं उनमें 5वें नंबर का पट्टा है, और ये कलमुहे कबूतरों में से निकला है ये भी। ये देखिए इसकी आँख, मैं क्लियर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इसकी आँख, और ये इसकी खोपड़ी, ये इसके बाजू के पर हैं। इस तरफ के, ये दूसरी तरफ के। इसकी दुम का शौक कीजिए आप। और इसी के साथ इसके पंजे दिखाते हैं आपको, पंजे देख के पता लगाइएगा और बताइएगा कबूतर कैसे लगे आपको। तो दोस्तों, ये एक और कलमुहे कबूतरों में से निकला हुआ पट्टा आपके सामने मौजूद है, कलमुहे बाजरों में से निकला है। ये देखिए इसकी आँख,
इसमें कलमू है और बाजरे दोनों मिक्स हैं, इसलिए मैंने कलमू है बाजरे बोला। साफ बदन का है कबूतर, ये भी नरपट्ठा है, ये इसकी दुम है बिल्कुल सियाह, इसके पंजे और नाखून देखिए आप। उड़ा के इनको किसी को भी नहीं देखा है अभी, इनको उड़ाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इनमें से कुछ नए जोड़ों के पट्टे हैं तो उनका हम कह नहीं सकते कुछ गारंटी से। असल तो मैदान में ही पता चलता है कबूतर कितना ही हसीन दिखता हो ज़मीन पे और कितना ही वो अपने आप की तारीफ़ें खुद बयान करता हो, लेकिन उड़ाने के बाद मैदान में ही पता चलता है। ये एक और पट्टा है, आज का आखिरी पट्टा जो हमारे हरे कबूतरों में से निकला है। इसकी माँ उड़ी हुई है 2 बजे तक और इसके बाप को बिना उड़ाए जोड़ों में लगा दिया था। ये इसकी आँख है हरे कबूतर की। इसका एक भाई और है मेरे पास, वो पूरा हरा है लेकिन इसके अंदर ये एक पर सफ़ेद लेके आया है, तो एक पर आदुबाज कहा जाता है, उस तरह का है ये। ये इसके इस तरफ के बाजू के पर देखिए, ये इसकी दुम। बहुत ज़्यादा मचल रहे हैं क्योंकि ये हाथों में पकड़ने की आदत नहीं है इनकी। बैठे रहते हैं खुले ही काबक में। ये देखिए दोस्तों इसका पूरा वजूद, और अब मैं ये सारे कबूतर आपको एक साथ छोड़ के दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए ये सारे कबूतर बैठे हुए हैं जो मैंने आज एक एक करके आपको दिखाएं। एक कबूतर ऊपर भी बैठा हुआ है यहाँ पे, और ये बाकी कबूतर नीचे हैं। तो दोस्तों ये बताइएगा ये कबूतर कैसे लगा आपको पट्टे, और अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसमें कोई कमी पेशी नज़र आई हो तो कमेंट करके बताइएगा।